नमस्कार दोस्तों दोस्तों आयुर्वेद एक्सपेरिमेंट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज मैं करने वाला हूँ ये बॉक्स को अनबॉक्स करने वाला हूँ। इस बॉक्स को हम खोलेंगे, खोल के देखेंगे इस बॉक्स का अंदर क्या क्या मिलता है। और जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में पढ़ा है, हाँ ये वीडियो सही में वही होने वाला है। आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप नए हैं हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, क्योंकि मैं इसी तरह से सायटिका स्लिप डिस्क से रिलेटेड बहुत सारे रेमेडीज दवा आपको इस चैनल के माध्यम से बताते रहता हूँ। तो आज मैं आपको जो ये बॉक्स के बारे में बताऊंगा, ये बहुत ही स्पेशल है। इस बॉक्स का अगर आप इस बॉक्स का अंदर जो मेडिसिन है उसे अगर आप सही से यूज करते हैं तो आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है, आपकी दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आपकी सायटिका दर्द, आपकी स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम या फिर स्टिफनेस या फिर फ्रोजन शोल्डर, आप बहुत सारे समस्या में इसे ले सकते हैं। तो जल्दी से खोलता हूँ इस बॉक्स को और बॉक्स का अंदर क्या क्या मिलता है आपको दिखाता हूँ, बाद में आगे का आपको पूरा बताऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो बॉक्स इसका मिलता है, तो इसे खोलते हैं हम, काटेंगे इधर से। बॉक्स तो मैं खुल रहा हूं लेकिन ये थोड़ा स्ट्रांगली पैकिंग है। बॉक्स का सबसे पहले तो एक लाल वाला डब्बा मिला है, उसके बाद कोई तो एक बैद्यनाथ का बतागजन कुश रस, उसके बाद एक देख सकते हैं एक बड़ा वाला डब्बा एक मिला है। तो इसके अंदर बस ये तीन ही प्रोडक्ट है। तो जो मेन प्रोडक्ट है यह है, जो मेन प्रोडक्ट है यही है, उसके बाद एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, उसके बाद ये डब्बे में क्या है तो इसे देखेंगे खोल के। इसे रखता हूँ साइड में। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा जो कि बैद्यनाथ से है, जिसका नाम है वतगजन कुश रस। जैसा कि आप देख सकते हैं वतगजन कुश रस, तो ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो आप ये टेबलेट फॉर्म में आपको ये मिल जाएगा, आप इसे टेबलेट फॉर्म में ले सकते हैं। ये न्यूरोमस्कुलर डिजीज में यूज किया जाता है, ये न्यूरोमस्कुलर डिजीज में इसका यूज होता है। इसका कुछ की इंग्रेडिएंट जैसे कि ये शुद्ध परत, लोहा भस्मा, मक्षिका भस्मा और भी इसमें बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स है, ये आप न्यूरो मस्कुलर डिजीज में ले सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपको अगर सायटिका पेन है, सायटिका में आप इसे ले सकते हैं। आपको स्लिप डिस्क की समस्या है, आपको पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम है, उसमें भी आप इसे ले सकते हैं। आप इसे पैरालाइज की समस्या में ले सकते हैं, आप इसे स्पॉन्डाइलोसिस में ले सकते हैं, आप इसे अर्थराइटिस गाउट में ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा मीन्स पेन किलर के जैसे ही मैं कहूंगा इसे, तो इन सारी समस्या में आप इसे ले सकते हैं। इससे कई सारे लोगों को ऐसे प्रॉब्लम क्योर हो जाता है, जैसे कि सायटिका हो गया, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम, ज्यादातर लोगों को इससे ही ठीक हो जाता है। तो ये काफी अच्छा है ये मेडिसिन, और ये बहुत ही कम ही लोग बताते हैं इसके बारे में, जो कि इसका बेनिफिट बहुत ही बड़ा बड़ा बेनिफिट है। तो दोस्तों आपको मैं इसका, चलिए मैं आपको इसका यूज के बारे में बताता हूँ। पहले आप इसे हनी के साथ में लेना है, ठीक है, आप इसे शहद के साथ में लेना है, प्योर शहद के साथ लेना है। और आप कितना गोली ले सकते हैं ये डिपेंड करता है आपका सिम्टम्स का ऊपर, आपको क्रॉनिक है, एक्यूट है, उसका ऊपर डिपेंड करता है। तो आप उस हिसाब से आप इसे ले सकते हैं। तो मैं इसका यूजेस आपको बताऊंगा, आप इसे कैसे ले सकते हैं। अब मैं आप पूरा ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। आपको क्या है, इससे थोड़ा साइड इफेक्ट भी है तो उसका आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा।
जैसे कि ये प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान तो आपको ये लेना ही नहीं है, ये प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में लेंगे तो इससे आपको साइड इफेक्ट हो सकता है और आप इसे ज्यादा समय तक नहीं ले सकते हैं, आपको इसे एक लिमिटेड पीरियड तक ही लेना है, एक लिमिटेड समय तक ही लेना है, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते, ज्यादा लेने से आपको इसका साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और आप इसे जो मतलब आप इसे जितना लेने कहा जाए उतना ही लेना है, आप ओवरडोज नहीं ले सकते, ओवरडोज लेने से आपको इससे बुरा साइड इफेक्ट हो सकता है। तो ये जितना अच्छा है उतना खराब भी है, तो आपको इसका इसका ध्यान रखना पड़ेगा। आप तो आप इसका बारे में सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पर, आपको इसका बहुत सारा डिटेल्स देखने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ आप इसका बेनिफिट यूजेस भी जान सकते हैं। तो इसे रखते हैं साइड में, उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ आते हैं। ये नेक्स्ट में जो तो ये तो एक डब्बा है लाल रंग का, चलिए खोलते हैं पहले डब्बे को। डब्बे में आप देख सकते हैं एक प्लास्टिक में कुछ आइटम है, तो आप देख सकते हैं ये डेट्स ट्री गम है, ये डेट्स ट्री गम यानी कि खजूर का झाड़ का गम है ये। तो इसके बारे में मैं पहले एक वीडियो बनाया हूँ जो कि डेट्स ट्री गम से आप अपने डिस्क का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और इस चीज को लेने के बाद बहुत सारे लोग ठीक भी हो गए, तो ये काफी अच्छा चीज है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताता हूँ। डेट्स ट्री गम में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, साथ ही साथ में इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, बीटा कैरोटीन ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, और साथ में इसमें लूटीन पाया जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में सल्फर, फॉस्फोरस, आयरन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, मैग्नेसिस, कॉपर और मैग्नीशियम पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए, हमारी बॉडी के लिए ये सभी चीजों का बहुत ही ज्यादा जरूरत होता है। इसमें थोड़ी बहुत मात्रा में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन के भी पाया जाता है, जो कि ये काफी अच्छा बात है। तो आप इसे इन्फेक्शन के लिए ले सकते हैं, आपके अगर कुछ भी इंटरनली इन्फेक्शन है तो उसमें आप इसे ले सकते हैं, आप सपोज कोई अल्कोहलिक कंडीशन में भी आप इसे ले सकते हैं। इसका बहुत सारा बेनिफिट है, मैं सब भी बताने जाऊंगा तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो इसका बस मैं सिंपल से आपको इसका बस जो की बेनिफिट है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो आपको ये आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, और साथ ही साथ ये आपकी पूरी बॉडी के इन्फेक्शन कुछ रहेगा तो उसे भी ये पूरी तरह से दूर करता है। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो जरूर बनाता हूँ, तो आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स में मैं जानकारी दे दूंगा। तो ये रहा डेट्स ट्री गम, तो इसको भी रखते हैं साइड में। अभी आते हैं जो इसका ये है मेन प्रोडक्ट, ये आपको ये हाफ किलो का डब्बा है। एक्चुअली मैं इसका जो अंदर जितना प्रोडक्ट है ये भी हाफ किलो ही है, तो ये थोड़ा मतलब जब वजन डालने का समय ये हाफ किलो है, ये कभी थोड़ा ड्राई हो जाता है तो इसका वेट कम भी हो जाता है। तो ये हाफ किलो का मात्रा में है, इसका नाम है कलौंजी कहूंगा मैं इसे, क्योंकि इसे इसमें ज्यादा मात्रा में कलौंजी ही है। तो इसका कुछ की इंग्रेडिएंट जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, कलौंजी है, और जो रॉ हनी है यानी कि जो देसी वाला प्योर शहद है वो है, चॉपचीनी है, मिश्री है, केसर है, और भी इसमें दो तीन और भी आइटम रहेगा। तो ये सारी चीजों से ये बना हुआ है, ये आपके स्पाइन को मजबूत करेगा। एक्चुअली में ये एक होम रेडमी है, ये आपके स्पाइन को ये मजबूत करेगा, इससे आपकी स्पाइन बहुत ही स्ट्रांग होगा। आपकी स्पाइन स्ट्रांग रहेगा तो आपकी डिस्क का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपकी डिस्क का प्रॉब्लम ऑटोमेटिक अच्छा रहेगा। डिस्क का प्रॉब्लम ज्यादातर होने का रीजन यही रहता है, हमारे शरीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सभी चीजों की कमी के वजह से डिस्क का प्रॉब्लम होता है, और इसी वजह से ज्यादातर लोगों को हो रहा है। तो इससे आपकी स्पाइन में बहुत ही अच्छा असर पड़ने वाला है, इससे आपकी स्पाइन बहुत ही स्ट्रांग होगा, आपकी जो नमनेस होता है नमनेस को भी ये दूर करता है। तो साथ में पेन, तो ये पेन किलर ही है, बहुत ही अच्छा पेन किलर है। तो इसमें आपको मैं अभी ये तीनों चीज का कॉम्बिनेशन है, तो आप तीनों चीज को अगर सही से लेंगे तो आपकी सायटिका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा,
आपके साइटिका प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको सर्जरी नहीं करना पड़ेगा। आप तीनों चीज का कॉम्बिनेशन मिला के आपको लेना है। तो इसका मैं आपको यूजेस बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको इस कैप्सूल के बारे में बताता हूँ, सॉरी ये टेबलेट है, तो इस टेबलेट के बारे में बताता हूँ जो कि बातागजन खुश रस। इसका नाम थोड़ा अजीब है, मुझे इसे प्रोनाउंसिएशन करने के लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। जैसा कि आपको मैं ढक्कन खोल कर दिखाता हूँ, देख सकते हैं पूरा पैक है। तो इसका यूजेस के बारे में आपको मैं बताता हूँ। इसे आप एक गोली लेना है, दिन में एक गोली लेना है, और इसे आप 30 दिन तक ही लेना है। 30 दिन से ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रांग है। तो आपको ये एक गोली लेना है रात को सोने से पहले, ठीक है। तो ये हो गया। बाद में ये जो डेड स्ट्रीक गम है, इसे आप दूध के साथ मिला के लेना है। आपको यहाँ से 5 ग्राम काटना है। चाकू से, धार वाला चाकू चाहिए तभी काटेगा ये। तो यहाँ से आपको 5 ग्राम काट के आपको दूध के साथ उघालना है, ठीक है। एक गिलास दूध के साथ उघाल के आपको ये सुबह खाली पेट में लेना है। सुबह आपको ये खाली पेट में लेना है। और बाद में ये जो है कलौंजी, कलौंजी को आपको इसे दिन में 2 बार लेना है, आधा चम्मच करके। आप नाश्ते के बाद ले सकते हैं या फिर इवनिंग टाइम में कोई स्नैक्स के साथ में आप कभी भी इसे ले सकते हैं, लेकिन आपको दिन में 2 टाइम लेना है, ठीक है। इसे आप दिन में 2 टाइम ले सकते हैं। आप कभी भी सुबह नाश्ते के बाद लीजिए या फिर रात को डिनर से पहले ले सकते हैं। और ये वाला आपको रात को सोने से पहले एक गोली लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है, एक ही गोली लेना है। और जो डेड स्ट्रीक गम है, इसका 5 ग्राम काट के आपको दूध के साथ उगाल के आपको सुबह लेना है खाली पेट में। तो आप ये तीनों चीज का आप सही से यूज करेंगे तो आपकी डिस्क का प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाएगा। ये जो आप है डेड स्ट्रीक गम, इससे बहुत सारे लोग ठीक हो गया है, ठीक है। और आपको क्रोनिक कंडीशन है, कैसा भी कंडीशन है, ये वतागजन रस ये बहुत ही अच्छा होता है। इसका आप इंटरनेट पे सर्च करिए, आपको इसके बारे में बहुत डिटेल्स पता चलेगा। ये सायाटिका के लिए बहुत ही अच्छा होता है, पैरालाइज के लिए, जॉइंट पेन के लिए, अर्थराइटिस के लिए, सभी समस्या के लिए ये बहुत ही अच्छा रहता है। और ये जो है कलौंजी, कलौंजी से आपकी स्पाइन बहुत ही स्ट्रांग होगा, आपका नमनेस चला जाएगा। ये बहुत ही अच्छा रेमेडी है, आपका पेन नेचुरल तरीके से आराम से चला जाएगा, आपको बहुत ही अच्छा फील होने लगेगा। तो ये पूरा कंप्लीट 1 महीना का कोर्स है, तो आप इसे ले सकते हैं अपने पेन को दूर करने के लिए, हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। आप इसका समझ लीजिए, आप पहले अगर इसका एक कोर्स यूज करते हैं, आपको इसका रिजल्ट मिलता है, अच्छा लगता है, तो उसके बाद आप इसका और 2-3 कोर्स आप लेंगे तो आपको कंप्लीटली ठीक हो जाएगा और दोबारा वापस भी नहीं आएगा। तो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन वाला आपको मेडिसिन दूसरा और कोई भी चैनल में देखने के लिए नहीं मिलेगा। खास करके मैं सायाटिका स्लिप डिस्क का बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर है, मैं उन सभी लोगों को मतलब इस समस्या से दूर कराने का मेरा ये कोशिश है, और अभी तक ये जारी है और फ्यूचर में भी जारी रहेगा। और मुझे पूरा पक्का विश्वास है, पूरा पक्का गारंटी है, आप ये तीनों चीज को सही से यूज करेंगे तो आपकी डिस्क का प्रॉब्लम हमेशा के लिए ये ठीक हो जाएगा। तो आप इसे अभी, आप इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, मेरा ईमेल आईडी मिलेगा, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उसके बारे में आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स बता दूंगा। तो दोस्तों आप इस चीज को आप जरूर ट्राई करिए, आपको ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, तो आप इसे मत गवाइए, आप इसे जरूर ट्राई करिए। इससे आप पूरी तरह से कम्प्लीटली ठीक हो जाएंगे। इसमें आपको ज्यादा खर्चा कुछ भी नहीं है और नेचुरल है, कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट के। तो दोस्तों फाइनली वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए, कुछ सवाल सुझाव हो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप करिए। मुझे बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी थोड़ा, मेरा भी जॉब है, मैं भी बिजी रहता हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपका व्हाट्सएप में जरूर रिप्लाई करूंगा।
तो आप कमेंट्स भी करिए तो मैं कमेंट्स का भी 100% रिप्लाई करूंगा, जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। तो मन में आपका कोई भी डाउट हो आप मुझे आराम से पूछिए, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। तो अपने दोस्त लोगों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए, उनको भी बताइए ये आपकी सायटिका, स्लिप डिस, अर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन, नी पेन, फ्रोजन शोल्डर और भी इसका बहुत सारे मतलब डिजीज को ये क्योर कर सकता है, यह काफी अच्छा है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।